हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल लर्न ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलास बेस्ड ऑन सीडी फार्मूला एंड एबी फार्मूला। तो सीडी फार्मूला और एबी फार्मूला बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको पहले याद करेंगे फिर इसके क्वेश्चन करेंगे वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास एबी फार्मूले है, इसका फार्मूले कैसे याद करने हैं? टू साइन ए कॉस बी का फार्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह टू कॉस ए साइन बी का फार्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस आ जाएगा बीच में साइन ए माइनस बी। ये दोनों फार्मूले एक जैसे हैं, जहां पर साइन कॉस आ जाए या कॉस साइन आ जाए तो उस फार्मूले में साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी यूज होएगा। अगर दोनों चीजें सेम सेम है, जैसे टू कॉस ए कॉस बी या टू साइन ए साइन बी, उसमें फार्मूला यूज होगा कॉस का। तो टू टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और अगर साइन ए साइन बी है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ए माइनस बी आगे आएगा माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। ये दोनों फार्मूले एक जैसे हैं, जहां पे सेम सेम आ जाए कॉस कॉस या साइन साइन तो वहां कॉस फार्मूला यूज होता है, और जहां पे साइन कॉस आ जाए वहां पे साइन साइन यूज होएगा आपका। ठीक है जी, एक बात ये आपने ध्यान रखनी है। इसी तरह हमारे पास है सी डी फार्मूले। ये फार्मूले लगाने कहाँ पे? ए बी फार्मूले जब क्वेश्चन में दो साइन और या कॉस आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो ए बी फार्मूले लगाते हैं। अगर दो साइन में प्लस का साइन आ जाए या माइनस का साइन आ जाए तो हम लगाते हैं सी डी फार्मूले। साइन सी प्लस डी का फार्मूला है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। एक बात ध्यान रखनी, ये सारा इसका एंगल है और इस टू को बाहर वाले टू से आपने कट नहीं करना। इसी तरह साइन सी माइनस डी के फार्मूले में यहाँ पे कॉस आगे आ जाएगा साइन पीछे चल जाएगा, तो ये तो फैक्टर सेम ही रहना है सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू। ओके, अगर आपका फार्मूला है कॉस सी प्लस डी का तो दोनों जगह कॉस कॉस आ जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगर आपके फार्मूले में माइनस का साइन आ जाता है तो उसमें साइन साइन बन जाएगा, और इस फार्मूले अपने याद रखना कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी है। ठीक है जी, तो जो सी डी फार्मूले हैं उस सभी में सेम चीज यूज हो रही है सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, ये सब में आएगी। अगर तो साइन का फार्मूला है तो साइन कॉस आएगा या कॉस साइन आएगा। अगर वो कॉस कॉस है तो दोनों जगह कॉस कॉस आएगा अगर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो दोनों जगह साइन साइन आएगा। नेगेटिव आपने आगे याद रखना है। तो ये फार्मूले याद करने बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री इनके बिना अधूरी है। क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 1 प्रूव दिस थिंग। तो आपको देखो यहाँ पे साइन प्लस साइन है, तो इसमें जब प्लस के साइन होते हैं या माइनस का साइन होते हैं तो सीडी फार्मूले लगते हैं। तो ये इसको लिख लीजिए अब सी, इसको लिख लीजिए डी। तो साइन सी प्लस डी क्या फार्मूला है? टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये फार्मूला लगा दिया क्या, तो माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, 150 से 150 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका 300 डिवाइड बाय 2, तो 150 रह जाएगा, x प्लस x 2x हो गया, डिवाइड बाय 2 करोगे तो x आ जाएगा। अब जो 150 है इसको आप अलाइड एंगल से सॉल्व करेंगे, इसको लिख लीजिए 180 माइनस थीटा 30, और हमें पता है 180 पे साइन चेंज नहीं होता, वो साइन 30 आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यूज करिए आपका आंसर आ गया। ओके जी, अलग अलग की तो साइन सी प्लस डी के फार्मूले लगा रहे हैं। एग्जाम्पल 2 में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है साइन 51 प्लस कॉस 81। जब हमने सी डी फार्मूले याद किए तो वहां पे या तो दोनों साइन साइन होते थे या दोनों कॉस कॉस होते थे, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि एक साइन हो एक कॉस हो, तो फार्मूला लग नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे, इस कॉस को पहले साइन में चेंज कर लो, अगर किसी कॉस को साइन में चेंज करना हो तो 90 वाला अलाइन एंगल यूज कर लो। तो इसको लिखिए आप 90 माइनस 9, 81 को 81 को लिख सकते हैं 90 माइनस 9, तो अलाइड एंगल यूज हो गया। 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये बन गया साइन सी प्लस साइन डी, सी ये हो गया, ये डी आपका ये हो गया। तो फार्मूला क्या है? 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन कॉस सी माइनस डी बाय 2। तो ये 51 प्लस 9 60 बाय 2 30 डिग्री बन गया, ये कॉस 21 आ गया। तो कॉस 21 वैसे का वैसा रहेगा, ये 1/2 होता है, कट के आपका आंसर आ गया। सिमिलरली अगला पार्ट भी आपने ऐसे ही करना है, इसको लिख लोगे कॉस 90 माइनस 10, ठीक है, तो वो साइन 10 बच जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेना आपने। अगला क्वेश्चन है कॉस ए प्लस कॉस प्लस प्लस।
जब भी प्लस प्लस के साइन बीच में है या माइनस के साइन बीच में है तो सीडी फार्मूले यूज होंगे। सीडी फार्मूले ज्यादा यूज होते हैं क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में आप बोलोगे तीन चीजें हैं तो सीडी फार्मूला दो चीजों पर लगता है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों पर लगाएंगे क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, उसमें भी 120 है इसमें भी 120 है, तो इसको ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया। फार्मूला क्या है, सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू। ए से ए कट गया, 240 बाई टू 120 आ जाएगा, यहाँ 120 से 120 कट गया, 2 ए बाई टू ए आ जाएगा। अब कॉस 120 को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया, इसको लिख लीजिए 180 माइनस 60। हमेशा आपने अलाइड एंगल्स की हेल्प से बड़े एंगल सॉल्व करने होते हैं। 180 पे चेंज नहीं होगा, कॉस 60 रहेगा और दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता तो नेगेटिव लग गया, तो माइनस 1 बाय 2 यहाँ वैल्यू यूज होगी इसकी, ये आपका कट जाएगा, ये माइनस कॉस ए आ गया, कट के जीरो आंसर दे देगा। ठीक है जी, अगर जब भी इस तरह के तीन चीजें आ जाए तो दो पे लगाना है सीडी फार्मूला और देखना कि किस पे लगाना है। एग्जाम्पल फोर्थ देखिए, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ऊपर लग चीज है नीचे लग चीज है। अब यहाँ पे ए और बी है, ये नहीं समझना कि ए बी फार्मूला लगेगा, पर ये प्लस है ना बीच में तो ये सीडी फार्मूला लगेगा। ये सी है ये डी है आपका, तो साइन सी प्लस डी का फार्मूला होता है 2 sin C + D बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, अगर माइनस हो तो कॉस आगे जाता है 2 cos C + D/2 sin C - D/2। तो आपका इसमें कुछ भी कट नहीं रहा, ये आपका टैन बन जाएगा पहले वाला, ये आपका कॉट बन जाएगा, दो से दो कट गया ये वाला। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी तीन तीन आ गए हैं। अब इसमें क्या होता है, जब तीन तीन आ जाए ना आप उस दो पे लगाओगे जिसका प्लस करके 2 से कट जाए। अगर देखो C+D होता है, अगर 4+3 करूं तो बनेगा C+D 4+3/2 7/2 बनेगा, आंसर में 7/2 कहीं पे आ नहीं रहा तो एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं 4+2 ले लूं तो 4+2 होता है 6/2, C+D/2 3x बन जाएगा, तो आंसर में 3x आ भी रहा है। तो मैंने क्या किया, ये वाले लग कर लिए, ये वाले लग कर लिए, यानी कि इसको इससे पेयर कर लिया, इसको इससे पेयर कर लिया। ठीक है, क्योंकि तो जब भी तीन होते हैं ना तो दो पे लगाना सीडी फार्मूला, तीसरा आपने अलग कर देना है। तो इस पे सीडी फार्मूला लगाओगे, ये सी हो गया ये डी हो गया, क्या फार्मूला, 2 cos C + D/2, तो 4+2 करोगे 6/2 3 बन जाएगा, into cos C - D/2, तो 4 में से 2 माइनस करोगे 2/2 x आ जाएगा। इसी तरह नीचे लगाया गया सीडी फार्मूला, ऊपर सारे में से cos 3x कॉमन आ गया, नीचे सारे में से sin 3x कॉमन आ गया, तो ये पूरा पूरा कट गया आपका। cos ओवर 3 cos ओवर sin क्या होता है, cot x होता है। ठीक है जी, एग्जांपल 6 देखिए, यहाँ पे क्या है, cos c माइनस cos d sin c माइनस sin d, तो cos c माइनस d का फार्मूला क्या था, माइनस 2 sin C + D/2 sin C - D/2, यहाँ पे c की जगह अल्फा है और बीटा की जगह t है। इसी तरह साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या था, 2 cos C/2 sin C - D/2, स्केयर कर दो, माइनस 2 का स्केयर 4 हो गया, यहाँ पे स्केयर लग गया, यहाँ पे स्केयर लग गया, इसी तरह यहाँ पे स्केयर स्केयर आ गया। अब सारे में से कॉस स्केयर और नहीं सॉरी कॉस स्केयर नहीं, क्या कॉमन आ रहा सारे में से, ये नहीं आ रहा कॉमन, ये कॉमन आ रहा है साइन स्केयर, इसको सारे में से कॉमन ले लो 4 में से, अंदर रह गया साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, मान होता है। एग्जांपल नंबर 7, अब ये क्वेश्चन में यहाँ पे देखो ये चीजें हैं, ठीक है, तो पहले साइन 30 तो हमें पता है 1/2 होता है, उसकी वैल्यू बीच में लगा के इसको बाहर कर लीजिए। अब ये तीन चीजें रह गई, अब यहाँ पे तीनों चीजें मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो मैंने आपको बताया था जब साइन साइन आपस में मल्टीप्लाइड किए होते हैं तो ए बी फार्मूला लगता है, तो इस क्वेश्चन में ए बी फार्मूला लगेगा क्योंकि ये साइन साइन है। तो अभी आपको मैंने शुरू में सबसे पहला जो फार्मूला 2 sin A sin B लगा फार्मूला, 2 sin A sin B का फार्मूला यहाँ पे लगाया जाएगा। 2 sin A sin B का फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पे 2 तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेगी, बाहर 2 से डिवाइड कर लिया गया, ये बनेगा 2 sin A sin B। सबसे पहले जो फार्मूले थे इस वीडियो के, 2 sin A sin B का फार्मूला था cos A - B - cos A + B, तो ये ए है ये बी है। 70 में से 50 गया 20, 70 प्लस 50 120, cos 120 पीछे भी हमने निकाल के आए हैं, वो -1/2 होता था तो +1/2 आ गया, ये यहाँ पे भी निकाल के दिखाया उसने। ठीक है जी, अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले सॉल्व कर लीजिए, 2 का एलसीएम ले लिया उसने, फिर मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये बना 2 cos A sin B। तो जब भी मल्टीप्लाई किया होता है ना आपस में तो ए बी फार्मूला लगते हैं, तो 2 cos A sin B का फॉर्मूला था sin A + B - sin A - B।
ये साइन 30 बन गया, ये साइन 10 बन गया, तो ये आपस में कट गए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, जब भी मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा ए बी फार्मूला लगेगा, साइन साइन साइन, कॉस कॉस कॉस, इस वाले क्वेश्चन में ए बी फार्मूला लगते हैं। अब देखो यहां पे भी वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में साइन साइन साइन, तो ये सेम सेम इनको इकट्ठा कर लो, यहाँ पे 4 है, 2 एक बाहर रख लो, 2 अंदर रख लो, क्योंकि फार्मूले में होता है 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला कॉस ए माइनस बी, ये पूरा ए है ये पूरा बी है, माइनस कॉस ए प्लस बी, ध्यान रखना ये पूरा एंगल आपने ए लेना है, ये पूरा बी लेना है, तो जो कटता है काट दीजिए, ये माइनस 2 ए आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करके कॉस 120 आ गया। अब कॉस 120 बहुत बारी करके दिखा दिया, माइनस 1/2 होता है, यहाँ पे यूज कर लेना है, अगर कॉस में माइनस थीटा आ जाए तो वो कॉस थीटा के इक्वल ही होता है, ये आइडेंटिटी होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ गया 2 साइन ए कॉस बी, तो क्या फार्मूला, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन माइनस ए हो गया, माइनस बाहर आ जाएगा साइन में से, तो ये आपस में कट जाएगा। देखो जो साइन होता है ना, साइन के अंदर अगर माइनस आ जाए, माइनस ए, तो वो बाहर चला जाता है, ठीक है, अगर कॉस के अंदर माइनस आ जाए, तो कॉस जो के अंदर जो माइनस होता है, कॉस उस माइनस को अब्सॉर्ब कर लेता है, अंदर खा जाता है, वो बाहर आता ही नहीं है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, तो वो साइन 3 ए के इक्वल आ गया, यही हमने प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव।